सब्सक्राइब कीजिए एमडी किचन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मनीषा दलाल एमडी किचन चैनल में आज आपका स्वागत कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़ा, जिसके लिए हमें चाहिए ब्रेड की स्लाइस, 1 लीटर फुल क्रीम दूध, घी, देसी घी, शक्कर, पिस्ता और बादाम। चलिए शुरू करते हैं शाही टुकड़ा बनाना। चलिए शुरू करते हैं शाही टुकड़ा बनाना, जिसके लिए सबसे पहले हमें एक सॉस पैन लेना है, अपना गैस चालू करना है। उसमें हमें जो हमने फुल क्रीम दूध लिया है वो बॉईल करने रख लेना है, क्योंकि इसकी हमें रबड़ी बनानी है और गाढ़ी रबड़ी बनानी है जो हम शाही टुकड़े के ऊपर सर्व कर सके। और ये सॉस पैन को हम दूसरी आंच पे रख देंगे और उसे उबालने के लिए रख देंगे, और उसी गैस पे दूसरी बाजू हम चाशनी बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हमने एक बाउल जो शक्कर लिया था वो शक्कर लेंगे। उसमें से 2-3 टेबलस्पून शक्कर हमें बचा के रखनी है, जो हमें जो दूध उबालने रखी है उसके लिए चाहिए, और एक बाउल पानी। और ये चाशनी हमें थोड़ी जाड़ी रखनी है, ठीक रखनी है, जिससे हमारे शाही टुकड़े इसमें हम डीप कर सके और वो स्वीट हो सके। शक्कर उबल जाए, पिघलने आई है थोड़ी थोड़ी, हमारी गैस की आंच थोड़ी स्लो मीडियम रखिए। शक्कर पिघलते उसे हिलाते रहिए जहाँ तक अपनी शक्कर न पिघले, और शक्कर पिघलते समय हमें अपने एक बाजू दूध को भी देखते रहना है जो उबल न जाए। अपने गैस की आंच मीडियम स्लो रखनी है। देखिए हमारी शक्कर घुल गई है और चाशनी उबलने लगी है। इसे हमें दूसरी एक आंच पे शिफ्ट कर लेना है, और हमारा एक गैस पे हमें एक कढ़ाई रख लेनी है, जिसे हमें उसमें हमको घी गरम करने रखना है, जो हमने देसी घी लिया है वो रखना है। अभी हमारा जो घी हमने रखा था वो गरम हो गया है, और ब्रेड की स्लाइस हमें इस तरह से काट लेनी है, और हमारा जो घी हो गया है उसमें हमें ये तल लेना है, दो दो करके उसको गोल्डन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, उस तरह से तलना है। हमारा दूध जो हमने रखा था उसे भी हिलाते रहना है, और जो चाशनी रखी थी उसका भी ध्यान रखना है साथ साथ में। ये शाही टुकड़ा बनाने के बहुत ही आसान है और खाने में टेस्टी भी उतना ही है। दिवाली के अवसर पे हमें शाही टुकड़ा बना सकते हैं। आगे से हम रबड़ी बना रख सकते हैं, एक दिन आगे जब मेहमान आए तो ऐसे ब्रेड की स्लाइस लेके हमारे जो शाही टुकड़े हैं वो तैयार करके सर्व कर सकते हैं। गैस की आंच मीडियम स्लो करते रहना है बीच बीच में, जिससे हमारे शाही टुकड़े गोल्डन होने लगे, और हमें इसे देसी घी में ही तलना है, जिससे टेस्ट भी अच्छा लगे और क्रिस्पी भी अच्छे होंगे। देखिए आप देख रहे हैं हमारे गोल्डन हो गए हैं। इस तरह से हमें सारे तल लेने हैं,
और ऐसे डिश में निकाल लेना है। हमारे शाही टुकड़े तल के हो गए हैं और ये बाजू हमने जो दूध रखा था वो भी उबल के आधा हो गया है, आप देख रहे हैं गाढ़ी रबड़ी जैसे होने लगी। इसमें हमें 2 चम्मच शक्कर डाल देनी है, हमारे स्वाद अनुसार 1 चम्मच 2 चम्मच, जैसा हम स्वीट खा सके उस तरह से हमें शक्कर डालनी है। शक्कर डाल के थोड़ा उसे हिलाइए, ज़्यादा स्वीट ना बनाइए इसे, क्योंकि शाही टुकड़े हम चाशनी में भी उसको सोप करेंगे तो ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। तो इसमें हमें 1 या 2 ही चम्मच शक्कर डालना है और जो हमने पिस्ता और बादाम जो काट के रखे थे वो थोड़े से डाल लेना है। इसी स्टेज पे हमें चाहे तो इलायची पाउडर, केसर डाल सकते हैं। आज मैं यहाँ केसर और इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ, थोड़े से बचा के रखना है गार्निश के लिए। इस तरह से हमारी रबड़ी हमको तैयार कर लेनी है और दूसरी आंच पे जो हमने चाशनी रखी थी उसे भी देखते रहना है। ये हमारी चाशनी भी हो गई है, जिसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा पतला रखना है गुलाब जामुन की जैसी। और जो हमने शाही टुकड़े बनाए थे इसमें हमें ऐसे डीप करना है और तुरंत ही निकाल लेना है, उसके अंदर सोप नहीं करना है, सिर्फ उसको स्वीट करना है। देखिए इस तरह से हम हमारे शाही टुकड़े पूरे इसमें डीप कर लेंगे, जितने हमने तले हैं एक 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 करके डालिए, पूरे साथ में मर्ट डालिए। और इस तरह से हमारे शाही टुकड़े जो हमने बनाए थे सोक कर लीजिए। अब हमारे शाही टुकड़े सर्व करने के लिए रेडी हैं। जो हमने रबड़ी बनाई थी इस तरह से हमें शाही टुकड़े के ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल लेनी है। ये हम जब मेहमान हमारे घर पे आए उसी टाइम हमें सर्व करने के टाइम पे ये करना है। और जो पिस्ते रखे थे वो इसके ऊपर डाल देने हैं, थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, आपको पसंद है तो केसर के केसर भी डाल सकते हैं। और इस तरह से हमारे शाही टुकड़े सर्व करने के लिए तैयार है। हमारे शाही टुकड़े तैयार हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। अगली रेसिपी देखने के लिए MD किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। MD किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।